हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ चुके हैं एक और नए गाने के साथ वापस। और या भाई, बहुत दिन बाद वापस आए हैं। और ये वाला गाना जो हम सुनने वाले हैं, आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग। ओके भाई, मुफर और रागा का कोलैब आया है भाई, कुछ दिन पहले ही आया है, 3-4 दिन पहले। लेकिन यूट्यूब पे जो गाना आया था उसमें मिक्सिंग और मास्टरिंग का थोड़ा सा इश्यू था इनोवरा एंटरटेनमेंट की तरफ से। इस बार जो गाना आया है ये स्पॉटिफाई से हम सुनने वाला है। ये वाला गाना फॉर द फर्स्ट टाइम हम स्पॉटिफाई से सुनने वाले हैं, ठीक है। आपको अगर म्यूजिक वीडियो के साथ देखना था तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि भाई वो वाला जो वीडियो है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए आई एम नॉट गोइंग विद दैट। सो या, वी आर गोइंग टू एंजॉय दिस सॉन्ग। और भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग, ठीक है, क्योंकि मैंने वो वाला भी ठीक से सुना नहीं है। मैंने हाफ सुना है और उसके बाद पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने यूट्यूब पर सुना ही नहीं। और आज जस्ट अभी 4-5 घंटे पहले ही आया है हमारे Spotify पे। हम सुनने वाले हैं यहाँ पे। हम इसीलिए ही वेट कर रहे थे कि Spotify पे आए और हम रिएक्ट करें। या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, वी विल जस्ट स्ट्रेट जंप इनटू द सॉन्ग और उसके बाद बात करेंगे। ओके चलो देख लेते हैं भाई गाना कैसा है। मुफर और रागा का बहुत ही मतलब बीफ चल रहा था 2-3 साल पहले, प्रोबेबली आपको पता ही होगा। भाई, उस बीफ से उभर के एज प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो कोलैब चल रहे हैं, जो यारी दोस्ती चल रही है, इट इज़ वेरी मच गुड फॉर देम एंड ऑल्सो फॉर DHH। चलो गाना सुनते हैं और उसके बाद बात करेंगे। ओके सो गाने का नाम अगर मैं बोलना भूल गया हूँ तो गाने का नाम है पृथ्वी और आर्टिस्ट है रागा और मुफर। चलो लेट्स गो, 3-2-1 लेट्स गो। तभी से है पल्ले हमारे और हल्ला मचा रहे, इन सबको कब से पढ़ा रहे थे स्कूल हम, ऐसा फरामोश रखते हैं दूर हम, इफ यू गॉट प्रॉब्लम द टेल अस व्हाट यू वांट, थोड़ा सा मुफर का एक्चुअल वर्स आया है अभी। पृथ्वी से ज्यादा मैं घूमने लगा हूं। चलो लेट्स गो। ब्लूटूथ से यूट्यूब बजे 16 से लूप पे दिए शब्द वो ढूंढ के, जो लगते नहीं कूल थे वो पे हिंदी को आए, हमें पूछते नहीं पूछते निकले कितनी दफा बाहर, मौत के मुंह के मुंह में रौनक लगाई हमने सीन भी उछाला, लड़े अपने लिए बिना चीने कोई निवाला, खाया बाद में पहले तो तेरी प्लेट में डाला, फिर डिटॉक्स किया टॉक्सिसिटी से जिसे बोलते मसाला, हाथ में माइक तुम्हें तो पता है तो गुनी होगी खुली तपाई, तभी तो मजा आए ना बातें मेरी सुनी सुनाई, क्या ही तो बताएं कला रगों में खुली कलाई, लड़ाई मनाया मैं फिर डील का जमीन, फकिंग लीव मेरा टाइम शुरू तब से हुआ शौक में, तेजीज बने दोस्त वो अजीज, फिर वो भूले तहजीब, तो हलक में देखे हाथ पे रुखाड़ की जीप,
ऐसी लिखाई के बाकी स्कूल की पढ़ाई पढ़ा लोगों ने दिमाग में एक मूर्ति बनाई जल के राख हुए लोग पांव से धूल फिर उड़ाई नील डेट घुसने से पहले जैसे घूरती सिलाई बोल खोल दू क्या मित्र तेरे रोम छिद्र मेरी आवाज का कतरा भी महके जैसे इत्र जो छिड़को तो कागज पे बनता एक चित्र आर पार खान के तो बंदा पवित्र। भाई मुफार का जो हिंदी लिरिसिज्म है जो लिरिसिज्म है ओवरऑल भाई फार है। ओके भाई अब आया ना मजा गाना सुनने में, अब आया ना मजा मतलब एक्चुअली अभी जाके इन दोनों का जो प्रॉपर रिस्पेक्ट हुआ है वो आया है भाई। जो यूट्यूब पे गाना जो ड्रॉप किया था ना भाई बहुत ही मतलब डिसअपॉइंटिंग था, इन दोनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। ये जो कोलैब है ये बहुत ही प्रीशियस कोलैब है DHH के लिए भी और इनके लिए भी और भाई मतलब टोटली ओवरऑल सीन के लिए। सो ये जस्टिस नहीं होता इन दोनों के साथ अगर वो क्वालिटी आता तो। इस वाले स्पॉटिफाई में और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में जो क्वालिटी ड्रॉप हुई है बहुत ही अच्छा है भाई, आई लव इट सो मच मैन। और मुफार की लिरिसिज्म रागा का जो गैंगस्टर वाइब्स है दोनों साथ में भाई, बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि इन दोनों का कोलैब कब आएगा और कब हम देखेंगे, सो द वेट इज़ ओवर, ये आ चुका है भाई, आई लव इट सो मच, आई लव इट सो मच। और जो हुक पार्ट भी था मुफार की तरफ से, मुफार ने बनाया था जो हुक, अच्छा था भाई, अच्छा था, लिटरली अच्छा था। और उसमें भी अलग ही वाइब था भाई, ज़मीन पे खड़े खड़े मैं आसमान की ऊंचाइयों को चूम रहा हूँ। सही सही भाई। और जो बातें बोली है डीप भी थी, वर्ड प्लेस भी थी और एकदम हिंदी जो प्रॉपर जब डीप हिंदी वाली जो मतलब हिंदी पे जो पकड़ है वो जो दिख रहा है भाई, रोम छिद्र ये वो चित्र क्या क्या किया है भाई, इतना तो हम भी नहीं कर सकते, चित्र को तो फोटो ही बोलेंगे। सो या है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सो या मैन, आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है इस वाले गाने के बारे में, इन दोनों आर्टिस्ट के बारे में, एनीथिंग यू वांट टू कन्वे यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस ऑब्वियसली, और कहाँ करोगे कमेंट है ना। सो भाई ज़्यादा नहीं खींचेंगे इस वाले वीडियो को, ठीक है, यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ और कुछ ज़्यादा बोलने को है नहीं। आपको जो लगता है या फिर कुछ अगर मैंने मिस किया हो, कुछ अगर ना बताया हो, आपको अगर कुछ ऐड करना है मेरे इससे तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। और कोई गाना अगर सजेस्ट करना हो रिएक्ट करने के लिए या कुछ भी, आप कमेंट में बताओ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो चैनल को। यस गाइज, बहुत ही ज़्यादा हम क्लोज है 100 सब्सक्राइबर्स के, सो प्लीज सब्सक्राइब। और या आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ और पीस आउट।